नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण, मेरा साथी, मेरा स्टूडेंट, हमारे पुत्र स्टूडेंट जैसे एक ही बात है, सुखदेव चौधरी सर। दोस्तों, हम हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड गुरुनीति आपको देने जा रहे हैं, 31वां, जो 25 जनवरी को अपलोड होना था, बट आज शूट कर रहे हैं इसको हम 27 को, थोड़े लेट है, गले में दिक्कत थी इसलिए शूट नहीं कर पाया मैं, बट कराना मुझे ही था। सुखदेव ने कहा वो सपने मिलकर करेंगे इसको, तो हो जाए शुरू। आ जाओ पुत्र। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग, इसको अभी पिछले सेकंड में पढ़ा चुके हैं, कि इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस जोड़ दो। पैरेलल में लो कहा भैया? थर्ड हो गया, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। बोल पुत्र, पूरी बात हो चुकी हमारी? सेकंड और थर्ड मैं चाहता हूँ दोनों को आप एक साथ देख लो, एक ही मतलब सर्किट की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीडियो को आप एक साथ देख लो, ज्यादा मजा आएगा आपको। आगे चलो पुत्र, भगवान चला बेटा। ये रहा ब्रिज को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना यहां से करंट बहेगी नहीं, तो क्या होगा? ई अपॉन एस इक्वल टू आर बाई क्यू। अब देख सही कौन सा है, या फिर उसके बाद इसको अपन या ऐसे कह सकता हूं पुत्र मैं, पी अपॉन आर आर इक्वल टू एस बाई क्यू। तो सही कौन सा वाले भैया? एस बाई क्यू। हेलो जी, ओके ओके, थैंक यू। ये है, फिर समझ पे आ गया। वो कहता है 99 ओम रेजिस्टेंस की मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर में मुख्य धारा का कितना बह रहा है? 10%। आजा पुत्र, आजा। देख, माना कि यहां करंट चल रही 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर का इधर कितना रहा? 10%। सो 0.1 एम्पियर इधर है, तो 0.9 एम्पियर इधर है, ओके बस। और इसका कितना है? 99। ये तेरा एस, ये एक ले लिया मैं, कल्पना कर ली मैंने, एक लिया तो पॉइंट इधर गया, तो तेरा देख 0.1 × 99.9 × s इससे कट गया, ये तेरा आ गया, तो s इक्वल टू 11 ओम आ गया। s इक्वल टू टिक मार बेटा, 11 ओम हो गया। चलो अरे बात का मजा, आगे चलो। फिर वो क्वेश्चन आ गया, 50 ओम प्रतिरोध का कोई एक कैल्वेनोमीटर है, 3 वोल्ट की बैटरी और 2950 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो बात को थोड़ा ढंग से कर दे। ये तेरा गैल्वेनोमीटर है, ये तेरा 2950 ओम है, ये तेरा 50 ओम है, और ये तेरा, ये ले यार पूरी बात बोले पुत्र, 3 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ। अगला साहब कहता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन 30 भागों पे है, ठीक है, अब कहता है इसको 20 भाग पे रोकने के लिए इसके श्रेणी क्रम में कितने रेजिस्टेंस जोड़े? आओ करो। तो यहाँ पे अपने को ये बोला जा रहा है, वो उसकी जैसे 3 वोल्ट की बैटरी है, फिर उसके बाद में 50 ओम, तो ये हो गया 2950 ही हो गया। यस, दोनों का टोटल अपने पास में 3000 हो गया, ठीक है। तो अब जो करंट है वो 30 भागों के बराबर दे रखी, तो इसको अपन 30 I मान लेते हैं। एक बात सुनना, 30 भागों को 20 भागों सेट करना है, इसका मतलब करंट अलग अलग है नहीं है, बस इसमें एक ही बात है, करंट नहीं अलग अलग है, स्केल अलग कर दिया। तो यहाँ पे अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 30 I लिख देते हैं इसको अपन। ऐसा कर दूंगा तो हाँ बिल्कुल, ये V इक्वल टू आई आर से शुरू हो जाएगा। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में? V बाई आर बन जाएगा। यस, तो पहली सिचुएशन में अपन करंट को कितने ले लेते हैं? 30 I लिख लेते हैं। यस, ठीक है। फिर उसके बाद में V अपने पास में कितना होगा? 3, और अपॉन आर अपने पास में कितना देगा? 3000। एक तो ये इक्वेशन बन गया। हाँ, अब अपने को क्या करना है? 20 खानों पे डिफ्लेक्शन लेके आना है, सही है। तो ऑब्वियसली अपने को करंट डिक्रीज करने, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, सही है। तो रेजिस्टेंस अपन इंक्रीज करने के लिए अब ऐसा कह रहे हैं कि पहले तेरा 30 I है, इक्वल टू V कितना है? 3 और तेरा 3000। अब इसको मैं क्या कर दूं? 20 I और 3 तो तेरा 3 रहेगा। अब ये तेरा 3000 है, आर और जोड़ दे, ये तो करा 3000 प्लस या ऐसे बोला जा रहा है कि 20 भागों तक रोकने के लिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना लगाना पड़ेगा, तो अपन 50 प्लस आर ही करते हैं। अपन आर निकाल, हां 50, ये सही बात सही है, 50 प्लस आर ही करेंगे, सही कह रहा है, 50 प्लस आर। हां, अब जब इक्वेशन एक को डिवाइड कर 2 से, ये कट गया, कितना बचा पुत्र? 3/2 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3000 3000 मल्टीप्लाई 50 प्लस आर अपॉन 3 कैंसिल आउट, बोला है ना, इसको इधर ले जा, ये कितना हुआ? 9000 इक्वल टू 100 प्लस आर 2R, ये कितना हुआ? ये हो जाएगा 8900 अपॉन 2 इक्वल टू R, बिल्कुल। तो ये 8900 का मतलब क्या हुआ? 4450 सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
देखो आप बात घूम फिर के एक जगह आती है यार, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। चलो भगवान भाई आगे चल पुत्र, ये देख ये अपना लाड लाभ कार्यक्रम भाई। वो कहता है वोल्ट मीटर है रेजिस्टेंस ऑफ जीओ, रेंज क्या है वी। वो कहता है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन सीरीज टू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज एंड वी। इसका मैं फॉर्मूला बना चुका हूं आपको, आर इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस आर इक्वल टू वी माइनस जी माइनस जी। यस यार आ गया, आप क्या निकालना है आर। चलो डियर आर इक्वल टू वी, अब तो खुद कह रहा है तेरा v क्या है, v इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो इसको अपना ऐसा बोल दे वी जी इक्वल टू आई जी और इनटू गुना जी जी बस। तो v जहां लिखा हुआ क्या लिख दे आई जी मल्टीप्लाई जी आ गया ना अपॉन आई जी माइनस जी। अब क्या करना चाहता है कि आप इसको इस तरह चेंज करो इसे प्रकाश प्रकाश क्या हो जाए एन वी। तो इसको किसे मल्टीप्लाई कर दो एन से, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आर इक्वल टू एन आई जी माइनस एन जी माइनस जी आई जी कट गया, सॉरी आई जी कट गया, गलत नहीं आर इक्वल टू एन जी माइनस जी, जी बाहर निकाल एन माइनस वन। देखो कमरा मत, जैसे जैसे अगला कहता वैसे वैसे करते जाओ। मैं बिना वीडियो को स्टॉप किया आपने फिर कर दूं v अपॉन आई जी माइनस जी। अगला साहब कहता है मेरी रेंज क्या करनी है n टाइम, तो n आई जी जी आई जी माइनस जी ये कैंसिल आउट, दिस इज n माइनस जी माइनस जी, g को आउट कर लो n माइनस वन। आगे चलो पुत्र फिर वही बात आ गई कि वो गैल्वेनोमीटर की प्रास v है, रेंज v है, इसमें 50 ओम का रेजिस्टेंस श्रेणी में जोड़ते हैं तो इसकी रेंज क्या हो जाती है डबल। जब 500 ओम का प्रतिरोध जोड़ेंगे तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, आ जाए करें इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ये अपने को ये कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर की फ्रास अपने पास अभी है, हाँ। जब इससे 50 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो ये तो अपने पास गैल्वेनोमीटर हो गया और इससे अपने 50 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया, जोड़ दे इसका रेजिस्टेंस अपन जी मान लेते हैं, हाँ। ठीक है, अब इसमें से अपन करंट है जैसे मान के लेगा अपन आई जी लिखते आ रहे हैं इसको, ठीक है ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं v इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा ig इनटू g g प्लस 50 प्लस 50 हो जाएगा 50 बिल्कुल। अब अपने को इसकी परास वो दुगनी करनी है, जब 500 ओम का रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो अपन ऐसे कर ले देख मैं तो साफ तो v इक्वल टू क्या है ig g प्लस 50 अब v क्या हो जाएगा 2v v हो जाएगा ये कह रहा है 2v इक्वल ig का ही रहेगा g तेरा g रहेगा प्लस 500 देगा प्लस 500 बस इक्वेशन एक से दो डिवाइड कर दो डिवाइड कर दो आईजी कैंसिल आउट वी से वी कट गया कैंसिल आउट तो तेरा क्या बचा करना पूछो ये अपने पास हो जाएगा 2g प्लस 1000 100 ये 500 है 500 ये 50 है अच्छा सॉरी 2g हां 2g प्लस 100 इक्वल टू क्या देगा g प्लस अपने पास है कितना देगा 500 देगा g 400 g से अपन 1g को कैंसिल आउट कर देंगे 400 चलो खाली करो बूट खाली करो आगे चलो भैया फिर वही देख सुंदर क्वेश्चन पढ़ो। ये कह रहा है कि प्रतिरोध जी का एक धारा मापी 1 एम्पीयर की धारा माप सकता है, यदि एस को प्रयुक्त करने पर ये 10 एम्पीयर की धारा मापने वाले एमीटर में परिवर्तित हो जाता है तो जी बाई एस कितना देगा अपने पास। बिल्कुल सही है ठीक है क्या चाहिए पूछो तेरे को क्या चाहिए जी बाई एस चाहिए जी बाई एस जी बाई एस क्या हो जाएगा आई माइनस आई जी अपॉन आई जी व्हाट इज आई 10 आई अपने को 10 दे 10 माइनस 1 अपॉन 1 9 अपॉन कुछ नहीं कर सकता यदि बेसिक पता हो ना तो सामाजिक काम लगता है यार बिल्कुल। आगे चलो आइडियल वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है भाई इनफिनिट फाइनाइट होता है दिक्कत ही नहीं आगे चलो भैया जरूर बात आ गई एक बार इसको कूल होकर फिर देख लो एक बार ठीक है ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस और हो जाए। ये कहता है 100 ओम रेजिस्टेंस के गैल्वेनोमीटर को 10 वोल्ट प्रास के वोल्टमीटर बदलने के लिए 10 किलो ओम का प्रतिरोध जोड़ा, इसी धारा माप इसी को धारा मापी को 1 एम्पीयर प्रास के एमीटर बदलने के लिए आवश्यक प्रतिरोध क्या है। देख लड़के क्या करेगा इसमें तो भी 100 ओम प्रतिरोध है हाँ उसका धारा मापी है उसको 10 वोल्ट प्रास के वोल्टमीटर में बदलने के लिए 10 किलो ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो फिर उसके बाद में वोल्टमीटर है तो फिर उसके बारे में बिल्कुल ठीक हो गया फॉर्मूला ठीक है। अब इसको अपने को क्या करना है आईजी निकालना है इसका आईजी निकालना है यस वी बोल 10 आईजी बाहर ले आईजी बाहर ले जी बोल
आर कितना है? 10,000 10,000 तो कितना हो गया? 10,100 सिस्टम चेंज होता रहता है। आगे चलो पुत्र, ये है काम की चीज। तो ये नीट 2021 में आएगा भैया। सुनो क्या कहता है, ये कहता है कि 3 वोल्टमीटर है। ये किसका है? आर का है। 1.5 आर का है। ये 3 आर का है। एक्स वाई के मध्य पोटेंशियल डिफरेंशियल V1 V2 V3 के पाठांक बताओ। अब एक बार ध्यान सुनना, ये तेरा 1.5 पोर्ट 3 है। तो 1.5 पोर्ट 3 का क्या होगा रिजल्टेंट? 1.5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 पॉइंट कितना आ गया? 1 ओम। तो ये भी कितना है? 1 ओम। और ये भी कितना? 1 ओम। तो यहाँ भी V वही है जो V यहाँ है, और जो यहाँ है वो दोनों जगह है। तो V1 बराबर V2 प्लस V3 है। शानदार क्वेश्चन भैया। फिर सुन ले भैया, यहाँ तेरा R, यहाँ तेरा 1.5 R, यहाँ तेरा 3 R, इसको P बोल दे, इसको Q बोल दे। कुल धारा एक एम्पियर है तो संट में बहने वाली धारा क्या होगी? ठीक है, दिस आई जी, दिस इज आई जी, कितनी है भाई? 1 एम्पियर। ये तो कहते ना, कुल धारा कितनी है? टोटल करंट इज 1 एम्पियर। टोटल आई है, आई है, आई कोस्ट 1 है। नहीं नहीं नहीं, ये टोटल है। टोटल है कितनी है? आई कोस्ट 1 1 है। होगी ना बात यार। सुन, देख, ये कितना है? 8। ये कितना है? 2। ये कितना है? 1। 1 को तेरे को 4:1 डिवाइड करना है। तो 4.2 हो गया। तो इधर जाएगी 0.2, इधर 0.8 का। ओके, थैंक यू। हाँ तो पुत्र सुखदेव लगे आगे चले। ये कहता है 1 किलोमीटर भूज रेजिस्टेंस कैसे करें? पूल हो गया और बच्चे हो जाए। 1 किलोमीटर भूज रेजिस्टेंस इज टोल 120 ओम गिवन फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद द करंट ऑफ पॉइंट। देखो ये सीधी सी बात है, जी की वैल्यू क्या है? 120 ओम। और आईजी की वैल्यू क्या है? 0.05। 0. सीधी सी बात है, फुल का मतलब क्या होता है? आईजी। अब कहता दैट इट कैन रीड ए मैक्सिमम करंट ऑफ 10। ये रेंज होगी इसकी। आई की वैल्यू कितनी होगी? 10 एम्पीयर। बस तो संट रेजिस्टेंस एडिट इन पैरेलल विद द, देखो सीधी सी बात है, देखो पुत्र बोलना आया Ig गुना G इक्वल टू I माइनस Ig गुना S। व्हाट इज Ig? 0.05। G 120। I क्या है? 10 माइनस 0.05। S कितना है? फाइंड आउट करना है। चलो भैया आ जा। तो 0.05 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 9.95। बोलो 10 में से 0.05 के तो क्या बच गया? 9.95। इसको इससे कैंसिल आउट कर दे, ये लोग करेंगे अपन। तो ये तेरा कितना हो गया? 600। क्यों? बिल्कुल। 600 को डिवाइड कर 995 से, तो 600 को अपन 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.006 के साथ रहेगा। 0.6 सपोर्ट 6 पर कोर्स से अब ये कितना लगभग हो जाता है इसका? आगे चलो, ये आ गया जो अपन एंड पर से बात कर रहे थे। देखो ध्यान दो, अननोन रेजिस्टेंस x है ये रहा। इसको ज्ञात करने के लिए 10 ओम इस पे जोड़ दिया। क्या बना दिया? मिडल ब्रिज। खेल क्या है? बैलेंस। भाई बैलेंस नहीं है ना तो तेरा सिलेबस ही नहीं है।
इसी बात करें, खेल किस पे है? बैलेंस पे है। अब वो कहता है टेपिंग कुंजी को 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर है, इधर से कितना है 52, तो कितना बच गया 48, करने की बात नहीं। ठीक है डियर, अब तेरे लिए सब स्पष्ट है, अक्ष किससे बैलेंस कर रहा है 52 से, टेन किससे कर रहा है 48 से, लेकिन प्रॉब्लम है क्या? डिफ्रेक्शन है, इधर कितना डिफ्रेक्शन है एक का, तो 51 में से क्या कम कर दे, एक कम कर दे, 48 में क्या कम कर दे, 2। सिंपल बात है, ये अपॉन ये दूरी इक्वल टू ये अपॉन ये दूरी, बट क्या आ गया, एंडिक्रेक्षन आ गया, इधर कितना है एक, उधर कितना है दो, उधर सामने क्या है, बोल पुत्र, एक्स अपॉन 51 अपॉन 46, क्या चीज रखो अक्सी, इधर कितना है 510 अपॉन 46, लगभग 11.1 के आसपास, तो 46 का 10 तो 11.5 आ गया था, देखिए 11.1, ये तो अभी कॉमन सेंस की बात है, तो इसमें बड़ा सिंपल है। आगे चलो, फिर वही कहानी आगे थी, मीटर सेतु किसी प्रयोग में अक्ष है वाई है, शून्य विक्षेप है, 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है एक्स वाई से, वाई एक्स से बड़ा है, तो प्रतिरोध फोरक्स को प्रतिरोध वाई से संतुलित करने के लिए तार के उसी सिरे से कितनी दूरी पर शून्य विक्षेप आएगा, तो कितना आएगा फिर, तो फिर उसके बाद में ये तो अपने को दे रखा है एक्स और वाई दे रखा है, दे दिया, तो फिर उसके बाद एक तो अपने पास है 20 हो गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो एक्स और वाई का रेशियो कितना देगा 1:4 देगा, तो वाई कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब की बार अपन क्या कर रहे हैं, एक तो 4x है एक वाई है, वाई को अपन 4x निकाल चुके हैं, 4x 4x बराबर हो गया, बराबर हो गया, 50 पे अपने को नल पॉइंट प्राप्त हो जाएगा, सही है, 500 का जाएगा 50 जाएगा। भाई बड़े सिंपल से लॉजिक है, मीटर ब्रिज में कुछ नहीं करना होता, जो आपका विष्णु ब्रिज है पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस से उसको कर दो, सीधी सी बात, तो ये आपका आंसर क्या आ गया इसमें 50 सेंटीमीटर आ गया, सीधी सी बात है। ओके डी, आगे चलो, ये देख, ये है देखो एक शानदार क्वेश्चन एग्जाम में, ये आप समझ लो तो सर्किट अब पूरा गया, ये कहता है एमीटर का पाठांक 2 एम्पीयर है, इसका मतलब यहां करंट कितना चल रही है 2 एम्पीयर, वोल्टमीटर पाठांक कितना है 20 वोल्ट, यानी इन दोनों के बीच जो गुणा है आई और आर का गुणा कितना है 20 वोल्ट है, आई कितना तेरा 2 है, तो आर कितना होना चाहिए 20, वो कब है जब इधर करंट नहीं बहे, वो कहता है दोस्त कि इनका प्रतिरोध कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, इधर करंट आ गई, इधर कोई करंट आ गई, बट गुणा क्या करना तेरे को 20, तो इधर आई को इधर कुछ करंट आ गई, इधर करंट कम होगी तो आर को बढ़ाना होगा, तो 2 × 10 जो था उसमें से आपको आई घटी तो आर को बढ़ाना होगा, 10 से थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा। ठीक है, फिर देखो मेरे साहब, अगला साहब कहता है करंट कितना 2 एम्पीयर, इसकी रीडिंग कितनी 20 वोल्ट, इसका मतलब यहां से यहां कितना है वी इक्वल टू क्या है 20, यानी 2 × 10 सीधी से बात आई 2, लेकिन यहां कुछ करंट चली गई, यो तो कब होता जब आदर्श होता, इधर कुछ करंट गई तो आई घटा, आई घटा तो आर बढ़ा, तो से थोड़ा सा ज्यादा, इधर सर्किट यही है। आगे चलो भैया, देख सीधा सीधा दिख रहा है अक्ष बैलेंस किससे हो रहा है 40 से, 60 किससे हो रहा है 60 से, बटले क्या कहता है निम्न बैलेंस कंडीशन है, मीटर से तो वायर की लंबाई 0.1 सेंटीमीटर का दिक्कत ही नहीं है, ओके, अक्ष अपॉन क्या करेगा 40, 6 अपॉन क्या करेगा 60, एक्स कितना देगा अपने पास 4 ओम हो गए, बिल्कुल बस एक तो ये दे रखे हाँ, एक अपने को एक्स अपने पास है 4 आ गया, आ गया, इसका जो ये 4 है यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस दे रखा है, वो तो वो भी 4 और 6 हो गए, 4 और 6 हो गए, तो 4 6 10 10, 4 6 10 10 10 5 आई इक्वल टू 1 एम्पीयर, ये 40 सेंटीमीटर है ना, तो 1 सेंटीमीटर का पॉइंट 4 है, तो इसका 4 कहना मतलब ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, सॉरी ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, 6 ओम है, अरे ये बैलेंस कर लो ब्रिज को, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलो, ये है दोस्त पोटेंशियोमीटर, पेज खाली कर, इसको मतलब पढ़ो, आ जाओ देखो दोस्तों क्या है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर इज आइडियल वोल्टमीटर, ये एक आदर्श वोल्टमीटर है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर का जो वर्किंग ऑपरेशन है वो नल पॉइंट डिफ्लेक्शन है, और नल पॉइंट डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, करंट नहीं बहे, और करंट नहीं बहे इसका एक ही मतलब आर क्या है अनंत, और आइडियल वोल्टमीटर का आर क्या होता है अनंत, इसलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर आइडियल वोल्टमीटर। आ जा ये अपना लाडला पर्सन, देखो भैया देख सुन पुत्र, ये आपका ये इसका रेजिस्टेंस, ये कोई रियोस्टेट है, दिस इज प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट, दिस इज प्राइमरी सर्किट,
दिस इज आर डैश आर ई और इसका रिलेशन मान लो आर डैश आर मान लो इसका उसको आर डैश कैसे कहते हैं अपन इसको आर इसको तो सिंपल सी बात है पुत्र आई इक्वल टू ई बटे आर प्लस आर डैश सुन ले भैया ई बैटरी ईएमएफ स्मॉल आर का इंटरनल आर डैश रियोस्टेट जो परिवर्तनशील है आर इस वायर का रेजिस्टेंस माना वायर की लंबाई एल है तो इसमें शब्द आएगा रो रो इक्वल टू आर बाई एल ओ लड़के एक था रो आर इक्वल टू रो ए ये नहीं रह गया ये नहीं ये रो जो है दिस इज यूनिट रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट याद रखना पड़ेगा इसको यहां एक बात रखना पड़ेगा रो इक्वल टू यहां आर बाई एल है ये एक प्राइमरी सर्किट है साहब ये बैटरी है इसका कुछ पोटेंशियल यहां कुछ यहां ड्रॉप होगा कुछ यहां ड्रॉप होगा कुछ यहां ड्रॉप होगा और सबका जोड़ किसके बराबर होना है ई के बराबर I equal to E आपके सामने आ गया ठीक है भैया जी अब मैं इस डायग्राम को तेरे लिए आगे समझाऊं अब ये क्या काम आता है किसी अननोन बैटरी का ईएमएफ ज्ञात करना जिसको बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी सर्किट ये कोई बैटरी लगाई ये कोई तेरी कुंजी लगाई और ये हाथ जोड़ा और माना कि ये एल लंबाई पे बैलेंस हो गया और ये बैटरी तेरी मान ली कि वी है तो डियर यह शब्द आएगा एक्स इक्वल टू वी बाई एल मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन पोटेंशियल ग्रेडिएंट या विभव प्रवणता जिसको बोलते हैं एक्स इक्वल टू क्या है वी बाई एल ये जो तेरा वी है वो सारा कहां फैल गया इस पे और यहां टच किया तो उस बिंदु पे जनरल पॉइंट डिफ्लेक्शन आ गया ये तेरा वी आ गया यहां एक सब एक्स का फॉर्मूला और भी है मेरा लाडला है एक्स इक्वल टू आई रो इसे दो चीज है बस एक्स इक्वल टू वी अपॉन एल एक्स इक्वल टू आई रो आई क्या है अभी पढ़ाते रहो मैंने आई है ई बटे आर प्लस आर डैश रो क्या है आर बाई एल दो चीज इसके अलावा इसमें कोई बात नहीं है अननोन बैटरी का आप इसमें से वी निकाल लो दो को कंपेयर कर लो किसी का आर कैपिटल आर निकाल लो स्मॉल आर निकाल लो वो क्या इसकी एप्लीकेशन है ये है पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट और ये है सेकेंडरी सर्किट प्राइमरी एक बार बन गया फिर चेंज नहीं होता है ये बोलते हैं डेनियल सेल के द्वारा इसका मानकीकरण करना बिल्कुल स्टैंडर्डाइजेशन करना उसका काम क्या है अक्ष निकालना एक्स पे एक्स पोटेंशियल ग्रेडिएंट निकालना विभव प्रवणता निकालना बस इतना ही इसके अंदर ओके डियर अब आप क्वेश्चन में आ जाओ आ जा भैया अब देख लड़के तेरे सामने वही कहानी है अगला साहब कहता है ए बी कोई तार है पोटेंशियोमीटर 100 इसकी लंबाई है और प्रतिरोध कितना है 10 तो रो क्या हुआ आर क्या है 10 अपॉन 1 मीटर तो इसका रो है 10 ओम पर मीटर यानी इस पूरे वायर का मतलब है 10 ओम पर मीटर बोल हाँ या ना या यूं कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर का 100 ओम है तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया सेंटीमीटर लेंगे तो पॉइंट एक हो जाएगा भाई 1 मीटर का 10 है 1 मीटर का 10 है तो 1 सेंटीमीटर का पॉइंट एक है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है अब कहता है इससे 40 ओम के नगण्य प्रतिरोध आर इसे आर 40 ओम के प्रतिरोध नगण्य के मतलब ये आर के 40 है ये 40 है नगण्य मतलब आर क्या है के साथ जोड़ दिया अब किसी अज्ञात विद्युत वाहक ई के साथ ये 40 सेंटीमीटर लंबाई पे बैलेंस करता है तो आप बताओ इस ई का मान क्या है ये तो बात है ना इस ई का मान दोस्त इसमें कुछ भी निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा अक्ष निकालना बिल्कुल सारा क्या किसका इसमें अक्ष का है तो अक्ष इक्वल टू होता आई रो आई रो क्या होता है ई बटे आर प्लस आर डैश मल्टीप्लाई रो ठीक है आ जा ई कितना बोलना 2 आर कितना है 40 स्मॉल आर क्या है 0 के आर डैश क्या है 10 मल्टीप्लाई रो कितना है 1 10 रो कितना है 10 ओके ये तेरा क्या है 2/50 मल्टीप्लाई 10 5 उत्तर क्या आया 2/5 0.4 अक्ष की वैल्यू क्या है 0.4 बस मिटा दे अक्ष की वैल्यू 0.4 है तो E इक्वल टू क्या होता है अक्ष मल्टीप्लाई एल अक्ष कितना है 0.4 एल कितना है 0.4 उत्तर क्या आ गया 0.8 प्राइमरी सर्किट से आप क्या निकाल लो आई निकाल लो तो एक्स इक्वल टू क्या होता है आई रो रो अक्षर दिया होता है एक्स निकल गया तो फिर तू जानता है किसी भी चीज का वी निकालना हो तो वी क्या होता है एक्स मल्टीप्लाई एल एक्स क्या है एकांक लंबाई का पोटेंशियल ग्रेडियंट है कितनी लंबाई पे होगा एल से मल्टीप्लाई करो
आपके सामने आ गया सर। और यहाँ भाषा गड़बड़ है, स्मॉल आर जीरो है, नगण्य आंतरिक प्रतिरोध नगण्य। बोल आगे चलो पुत्र। हाँ डी, ये देखिए वो कहता है कोई सर्किट है उसकी टोटल करंट का 5% कहा जा रहा है गैल्वेनोमीटर में। तो यार क्या दिक्कत है, देख देख बोल 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 बोल, बड़ा सिंपल है यार। माना कि पुत्र यहां से करंट कितनी आ गई 100, इधर कितनी गई 5, तो इधर कितनी जाएगी 4 मुताबिक पड़ता है। बस 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 बस, तो देख 5 × g इक्वल टू 94 × s ये कितनी बार गया, 19 बार। तो क्या पूछा अगले तरह से, एस पूछा है क्या, तो एस पूछा तो 19g हो गया जी भाई, 19 है ना जी, 19g हो गया ना जी, 19 तो हाँ 19g हो गया। ठीक है, बोल गलत तो नहीं कर रहा है कुछ अपने को, यहाँ पूछा जा रहा है सर। हाँ एस पूछा है, एस पूछा है हाँ, तो एस बराबर कितना देगा, यस ये 19 नीचे आ जाएगा। ओ ओ तेरी तेरी, हाँ ये गलती कर रहा हूँ मैं, अच्छा ये नीचे है, नहीं नीचे नहीं नीचे, ठीक है इसलिए हम दो लोग खड़े होते हैं। अरे हाँ ये तो ऊपर है ना, मेरे नीचे लगाए ऊपर लगाए, ठीक है ओके, ये गलती आप देखते हैं। तो जी भाई 90 हो गया, ठीक है थैंक यू, आगे चलो। ये अपन जानते हैं यार, ये जानते नहीं कर रहा कार्यक्रम है, यो किशोर डिस्कस कर रहे थे अपन, क्या कह रहा है, एक एमीटर तथा आर प्रतिरोध के वोल्टमीटर को नगण्य आंतरिक प्रतिरोध के सेल के साथ श्रेणीक्रम में, सुनो एक एमीटर, एक एमीटर आर प्रतिरोध के वोल्टमीटर, आर प्रतिरोध के वोल्टमीटर और नगण्य आंतरिक प्रतिरोध के सेल के श्रेणीक्रम में जोड़ दिया जी। इसके पाठ्यक्रम से ए और वी है, इसके पाठन ए और वी है, यदि वोल्टमीटर के साथ एक अन्य प्रतिरोध आर को पैरेलल जोड़ दे, यदि इसके साथ कोई एक पैरेलल जोड़ दे तो क्या होगा, अब मेरे पास होगा तो जैसे भी आर जोड़ेगा पैरेलल तो इसका परिणामी आर कम होगा, परिणामी आर कम होगा तो करंट यहां से अधिक चलेगी, तो आई का मान तो क्या होगा, अब आई का मान ज्यादा तो हुआ पर पहले जो आई थी वो सारी यहां बह रही थी, अब आई क्या होगी, दो टुकड़ों में कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, आई तो बढ़ेगा और वी घटेगा, तो ए तो बढ़ेगा और वी घटेगा, ए तो बढ़ेगा और वी घटेगा, कोई गुणा भाग नहीं है, टोटल टोटल प्रेजेंस ऑफ माइंड है, सब्जेक्ट की कमांड है। फिर सुन सकते हो, जैसे कुछ जोड़ा इसका आर घटा, टोटल घटा आई बढ़ी, आई बढ़ी ए बढ़ा, बढ़ा बट यहां आई फिर क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो कुछ ना कुछ भी कम हो जाएगा। ओके ठीक है, आगे चल, फिर वो इतना कुछ ना सेम कुछ नहीं, तो जिसका 804 वोल्ट आया था यस यस, ये पहले करा चुके हैं पहले वाले सेम क्वेश्चन, आगे चलो। फिर आ गया चल टुकड़ा, ये अपने को क्वेश्चन कह रहा है कि 800 मिलीवोल्ट परास एवं 40 ओम प्रतिरोध के 1 मिलीवोल्ट मीटर को 10 मिली एंपियर 100 मिली एम्पियर परास के एमीटर में बदलने के लिए आवश्यक सेटअप को दे रखा है, तो ये अपने को दे रखा है कि 800 मिलीवोल्ट ये तो परास है, और फिर उसके बाद में जैसे अपन इसके लिए क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू क्या जाएगा, I इंटू R, तो V तो अपने को दे रखा है कितना 800 × 10⁻³ - 3 दे रखा है, इक्वल टू इसको अपन लिख सकते हैं आई जी और इंटू इसका जो रेजिस्टेंस है वो अपने को कितना दे रखा है 40 दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास आई जी इक्वल टू कितना देगा, इसको अपन बोल सकते हैं 20 मिली एम्पियर या हाँ 20 मिली बोल रहे हैं या 20 × 10⁻²⁰ पास आई जी आ गया। बस अब तू जानता है आई जी मल्टीप्लाई जी इक्वल टू आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई एस, आई जी बोल कितना पुत्र 20 गुणा 10⁻³ - 3, जी बोल कितना है 40 हो गया, 40 हो गया ओके, आई कितना है 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर एड्रेस कितना कम करें 20 कम कर दो कितना बचा 80 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई एस एस ए इसको ठीक है, और ये तेरा मैंने 4 बार ये तेरा 2 बार तो एस इक्वल टू 10 आ गया, 10 आ गया ठीक मान लो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। और कुछ नहीं कर रहे अपन, तो अपना चल रहा है क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते जाओ दोस्तों, काम करता क्लास में बार बार एक बात कह रहा हूँ भाई, मुश्किल कुछ नहीं है, मेहनत करनी होगी, टेबल बैठना पड़ेगा, 10-12 घंटे काम करना पड़ेगा भाई, जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको घूमते हुए देखते हो क्या भाई, अपने क्लास के टॉपर बच्चे हैं भैया घूमते हुए देखते हो क्या, उनको कोई मतलब नहीं होता, उनको पढ़ाई करते चुपचाप पकड़े गए। ओके डी आगे आ जाए, फिर वही बात आ गई कि एक एमीटर तक पढ़ सकता है, इसका आंतरिक रेजिस्टेंस क्या है 0.81
एक ही बात आंतरिक बोल कुछ बोल दो जी, इसकी प्रास क्या है? 10 ओम तक बढ़ाने के ऑब्सेशन, तो आई जी मल्टीप्लाई जी आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई एस, आई जी क्या है? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर जी बोले तो 0.81 और आई क्या है? 10 माइनस 1 9 मल्टीप्लाई एस, तो एस इक्वल टू क्या आ गया? 0.9 ठीक बात है बेटा, ये लो आगे चल। फिर रामायण आ गई अपनी, तो बिल्कुल देखो डियर, ये पोटेंशियोमीटर है, यहां जो लंबाई है ना, ये लंबाई ये किससे बैलेंस है? 0.4 से, ये 0.4 मल्टीप्लाई अक्ष गुणा है, बस भाई ये 0.4 वोल्ट की सप्लाई जो है वो इसके एक्स और एल के बराबर है, बस। अब आगे क्या कहता है? दिए गए परिपथ में विभव के तार की लंबाई क्या है? 10 मीटर है, और प्रतिरोध क्या है? 5 ओम, तो रो इक्वल टू होगा 5/10 इक्वल टू 0.5, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल बोल, बोले बिल्कुल ठीक है। अब तू जानता अक्ष इक्वल टू क्या होता है? आई रो, तो 0.4 अक्ष का मान क्या होगा? आई रो एल, काम आएगा। 0.4 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए बैलेंस लंबाई कितनी निकाल दो जी? निकाल दो, ये कितना है? 0.4, आई कितनी है? आई हो जाएगा अपने पास, आई अभी निकाल देते हैं, घबरा कर दो। आई इक्वल टू क्या होता है? e बटे r प्लस r प्लस r, अब पूरी बात है, e कितना है? 5, r कितना है? ये अपने वो दे देते हैं 45, 45 5 ओम, और स्मॉल r कितना है? 45, पुट वाले इसको 45 प्लस 0 0, तो 5/50 1/0.1 तो पॉइंट, ये क्या है? ये 0.4 हो गया, सही है। एक मिनट एक मिनट, क्या चाहिए अपने को? एक मिनट, ये 0.4 है, 0.4 इक्वल टू आई कितना है? 0.1, रो कितना है? रो अपने पास 0.5, ये कितना है? एल, क्यों? तो एल इक्वल टू 0.4/0.1 मल्टीप्लाई 0.1 कट गया 40/5 8 आंसर है मेरे हिसाब से, देख आंसर 8 मीटर है, आराम से। अरे कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, आपको जैसे कहता वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है डियर, आगे चलो। ये एक बहुत प्यारा प्रश्न है, वो कहता है केबल है जिसमें 9 मिलीमीटर त्रिज्या के केवल एक तांबे का तार है, जिसमें 1 मिलीमीटर त्रिज्या का एक वायर है, आर इक्वल टू रो एल पाई आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1, इसका प्रतिरोध कितना है? 5 ओम, ठीक है। इस केबल को 6 अलग अलग तारों से जोड़ के इसके प्रत्येक की त्रिज्या क्या करते हैं अपन? 3 मिलीमीटर, और रिप्लेस करते हैं, तो बताओ अब कितना प्रतिरोध होगा? तो भाई इसका अर्थ हम क्या लेते हैं, ये एक केबल है, ध्यान रखना, इसका आर इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है? 5, रो तो छोड़ एल, आर कितना है? 9 का स्क्वायर, ठीक है। एक, 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 अब दूसरा देख, ऐसे कितने वायर लिए? 6, और 6 को कहां जोड़ दिया? पैरेलल जोड़ दिया, और प्रत्येक वायर किसका है? 3 मिलीमीटर का है, बिल्कुल, तो छोड़ो पहले तो पहले 3 मिलीमीटर को, तो मैं यहां 9 का स्क्वायर करता हूं, 9 का स्क्वायर करता हूं कितना है? 5 है, और यदि मैं 9 के स्क्वायर की कैसी है, मैं यहां 3 पुट करूंगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो 81 9 कितना गुना होता है? 9 गुना, तो ये थोड़ा 5 गुना बढ़ जाएगा, तो प्रत्येक वायर का कितना हो गया? 45। अब 45 6 बार कौन से क्रम में आए? पैरेलल क्रम में, तो 45 को 6 से भाग दो, 7.5 आ गया, ध्यान दे, 9 मिलीमीटर रेडियस है तो 5 ओम है, तो कॉमन सेंस के बाद 3 मिलीमीटर होगा, तो प्रतिरोध 45 ओम होगा। अब वो 45 6 है कौन से क्रम में है? पैरेलल, तो आप जानते हो पैरेलल का आर बाई एन, तो 45 फिर डिवाइड कर दो 6 से, 6 से डिवाइड, आंसर क्या आ गया? आगे चलो भैया, फिर वो कहानी आ गई, बल्ब, सुनो बल्ब सीरीज में है, पावर पैरेलल, उल्टा करना पड़ता है, 3 बल्ब है, तीनों का मिला के 20 वाट में करते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में 3 मिलके 20 वाट दे रहे हैं, इसका मतलब एक अकेला कितने वाट का है? 60 वाट का, क्यों? 60 को जोड़ो सीरीज दो 20 वाट होगा, अब वो कहता उनको जोड़ दो पैरेलल 180 वाट होगा, 180 इनटू 3 करो, आगे चल, फिर आ गया, वो कहता 2 माइक्रोफेड का कैपेसिटर है,
चार ओम के जोड़ दिया, दो ओम प्रतिरोध जो है इसमें करंट कितनी होगी? तो देख भाई यहां कोई करंट नहीं बहेगा, ये देख दो और तीन क्या होगा, थ्री मल्टीप्लाई टू अपॉन थ्री प्लस टू, छह पॉइंट कितना हो गया फोर, ये कितना है छह, करंट कितना चली डेढ़, चलिए यहां से करंट चली डेढ़ एम्पीयर चली। अब डेढ़ एम्पीयर करंट जो है वो किस में चाहिए तेरे को, दो ओम में, तो मैं तेरे को बता दूं दो में चाहिए ना करंट तेरे को, दो में चाहिए ना, ऊपर क्या रख तीन, नीचे पांच, किससे मल्टीप्लाई कर दे डेढ़ से, कितना बचा पॉइंट तीन, आंसर क्या आ गया पॉइंट नाइन। हाँ भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, एक किलोवाट आवर किसका मतलब है, लगता था ऐसे जैसे वोट आ गया तो ये पावर का है, जबकि ये ऊर्जा का, ऊर्जा का कैसे, देखो किलो तो होता है 10^3, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, और आवर को आप 60 × 60 करके क्या कर दो सेकंड, सेकंड सेकंड सेकंड, तो 36 × 10^5 जूल, और जूल किस मतलब होता है भैया ऊर्जा का, किलोवाट, किलोवाट शक्ति नहीं है, किलोवाट गुणा आवर है, किलोवाट इनटू आवर भी आवर है, वाट गुणा समय बनते क्या बन जाएगी ऊर्जा बन जाएगी, बताना चाहता आगे चलो भैया, ये मेरी बात आगे देख, मैंने पढ़ाया था आपको कल के क्लास में, पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वी कांस्टेंट है, पी 200 होगा तो आर 101 है, तो पी 100 कर दो आर क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो 200 वाट और 100 वाट की तो बल्ब है, कॉमन सेंस की बात भैया 100 वाट का आर आधा होगा, तो 200 वाट का आर आधा होगा, 100 वाट का दुगना होगा, तो 200 वाट को आर वन का है इसने, तो आर टू आर वन से बड़ा है, तो कितना है दुगना है, आर टू आर वन से दुगना है, क्योंकि पी वन पी टू से दुगना है, पी वन पी टू से दुगना है, आर टू आर वन से दुगना है, बोलो हाँ या ना, तो ये आपकी व्यवस्था है, आगे चलो भैया। देखिए यार एक मेरा लाडला क्वेश्चन है, हमारे घर में इसमें एक बात याद रखो, घर की हर फिटिंग में कुछ भी को सप्लाई में से कह रहेगी वोल्टेज, वोल्टेज ये कहने आवश्यकता नहीं है, वो कहता है हीटर की कुंडली है, ये कुंडली है, तो कुंडली क्या होती है आर रो एल अपॉन ए, आपको तो दो बराबर टुकड़े कर दिए आधा कर दिया, तो आर डैश का मान क्या आ गया भैया तो एक का आर प्रतिरोध था अब कितना हो गया आर बाई टू, अब वो कहता दो टुकड़े करके वापस किसी एक को लगा दी, लगा दी वापस एक को लगा दिया तो हीट कितनी पैदा होगी, हीट तो वो बीस कर भाई आर, तो आर आधा हो गया, हीट क्या हो गई डबल हो गई, तो कहता है आधी कुंडली उष्मा व पूरी कुंडली उष्मा क्या हो जाएगी दोनों बन पाते, ध्यान दो कुंडली को आधा करते आर क्या हो गया आधा, आर आधा होते ही दोस्तों आप जानते हो कि आर का है नीचे है तो एच क्या हो गया दुगना, वी तो क्या है कांस्टेंट, बार बार कह रहा हूं यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं एच बराबर, अरे भाई ये फॉर्मूला काम नहीं आ सकता, हमें नहीं पता ही क्या है, पर भी हमें पता है पूरे देश में सब जगह 20 सप्लाई क्या है 220 सप्लाई, आगे चलो पुत्र फिर वही बात, तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ के विद्युत वाहक जोड़ दिया, 10 वाट शक्ति भी होती है, सुनो 3 से 10 वाट शक्ति भी होती है ना, तो प्रत्येक बैटरी कितने के है 30 वाट है, 30 30 30 श्रेणी क्रम में क्या होंगे 10, इनको जोड़ दिया समांतर तो क्या आ गया भैया 90 वाट आ गया, ये तो बार बार कर रहे हैं पढ़ो, आगे चलो पुत्र ये देखो दो समान लंबाई के हीटर है, तार पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा बाद श्रेणी क्रम, देखो श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो क्या आएगा 2R, समांतर क्रम में जोड़ो क्या आएगा R by 2, दोस्तों एच है वो आर के क्या है इनवर्स है, रेजिस्टेंस आपका आधा हो गया 1/4, 2R का आधा 1/4 हो गया, तो हीट आपकी 4 गुना होगी, तो पहले यदि 1 है अब क्या होगी 4, अब इसमें ये कॉमन सेंस की बात है रेशियो में पहले आएगा तब बाद में आएगा, आंसर एक अनुपात 4 या कहीं मतलब ये भाषा थोड़ी सी गड़बड़ है, 4 अनुपात 1 जो जिद कर सकते हम जिद नहीं कर सकते, पहला तो बात का रेशियो निकाल दो, पहले यदि 1 थी अब 4 होगी, क्यों आर आर का था 2R और आर आर क्या हो गया आर बाई टू, पर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है बाद में जोड़ा समांतर क्रम में, श्रेणी बाद में समांतर, ठीक है आगे चलो, P1 वाट वी वोल्ट, P2 वाट वी वोल्ट के दो बिजली के बल्ब को समांतर क्रम में जोड़ के वी वोल्ट पे लगाया जाए तो कुल शक्ति क्या होगी P1 प्लस P2 समांतर क्रम में, तो P1 प्लस P2 खुद कहने की बात नहीं, P1 प्लस P2 बिना मतलब दो बल्ब है P1 P2 समांतर क्रम में है तो कुल पावर क्या हो जाएगी P1 प्लस P2 श्रेणी का बोलता तो फिर ये हो जाता यस, फिर वो भाई आर को याद कर लो, आर का जो जोड़ है
बल्ब भी पावर भी वो उल्टा होता है। आगे चलो भैया, यहाँ पे अपने को बोला जा रहा है कि बल्ब वी नॉट विवो वी नॉट सक्टिवेट करने के लिए बनाया गया, तो ये तो इसकी रेटिंग अपने को दे रखी है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास R इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन अपने पास है पी नॉट बन जाएगा। ये तो आपके पास रेजिस्टेंस और बल्ब बन गया। अब अगर इसको अपन V वोल्टेज देंगे तो कितनी शक्ति वे करता है, अपन लिख सकते हैं P इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो V स्क्वायर को अपन V स्क्वायर लिख देंगे और R को अपन यहाँ से लिख सकते हैं V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। तो ये अपने पास बन जाएगा V डिवाइडेड बाई V नॉट का होल स्क्वायर इनटू अपने पास में P बन जाएगा। ये बन गया आपके पास और क्या हो गया सेकंड सेकंड V बाई V नॉट का होल स्क्वायर इनटू। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ बच्चे कहेंगे साथ V नॉट और V में क्या फर्क है। देखो दोस्तों, अब तो बल्ब बंद हो गया, मैं बताता हूँ। एक बल्ब है जैसे मान लो उस पे 100 वाट, देखो दोस्तों कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनता है ना उस पे कुछ आंकड़े लिखे होते हैं, उनको बोलते हैं रेटिंग। रेटिंग माना मेरे पास 100 वाट का बल्ब है, वो बल्ब फ्यूज हो गया और मैंने गली फेंक दिया तो भी क्या लिखा हुआ है 100 वाट। रेटिंग का हकीकत से कोई मतलब है नहीं है। हकीकत का मतलब किससे है, करंट फ्लो पास। हाँ, इस रेटिंग से आप इसका फिलामेंट का रेजिस्टेंस आर निकाले, लेकिन करंट कितनी फ्लो होगी वो डिपेंड कौन करती है, सप्लाई। सप्लाई होती है। जान चाहूंगा मैं, बल्ब पे कुछ डेटा लिखे होते हैं उनकी सहायता से केवल उसके फिलामेंट का आर निकालना है। फिर करंट कितनी फ्लो होगी वो डिपेंड करता है सप्लाई कितनी है। जो बल्ब फ्यूज होके गली फेंक दिया या फ्यूज नहीं है, बल्ब हमारे घर में पड़ा अलमारी में, तब भी उसमें 100 वाट लिखा हुआ है, रोशनी नहीं आ रही, वो तो किससे आएगी, इस कारण से आएगी। ये हुआ कि अगर अपन इसको V नॉट देंगे तो ये P नॉट प्रोड्यूस, यस, बट V नॉट से अगर अपन नहीं देंगे। अब कई बार आप सुन लो ना, आज डिम लाइट आ गई, वोल्टेज डाउन आ गया, तो बल्ब 100 वाट का रोशनी कम हो जाती है क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है भाई, बल्ब पे लिखे हुए डेटा है वो रेटिंग कहलाते हैं, वो रेटिंग की सहायता से केवल आप क्या निकाल सकते हो, इसके अलावा आई का उससे कोई संबंध है नहीं। आई का संबंध रेटिंग से नहीं है, आई का संबंध सप्लाई से होता है। ओके आयोजन भाई, फिर पुत्र तेरी वही कहानी है, 2 एम्पीयर की धारा है इतने सेकंड पे उत्पत्ति उसमें पैदा हुई, कॉमन सेंस की बात है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। एच कितना पुत्र, 80, आई कितना है 4, आर क्या है निकालना है, टी कितना है तेरे सामने सामने आ गया, आर का मान 2 ओम आ गया, करने की बात नहीं, गलत तो नहीं कर रहे कुछ दोस्त में। आगे चलो भैया, ये 13वां क्वेश्चन आ गया, तो करा 13वां क्वेश्चन। ये अपने को कह रहा है कि तामन वोल्टमीटर में 3.2 एम्पीयर की तो करंट फ्लो कर रही है, हाँ, और इस कैथोड पर मिनट कितने जो Cu+2 आयन से वो डिपॉजिट हो रहे हैं, ये अपने को पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अपने को आई देकर प्रति मिनट, यानी अपने को टाइम देकर, तो आई को अपन टी से मल्टीप्लाई करके क्यू निकालेंगे, तो अपने पास क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है सर। और इसको अपन क्या लिखते हैं, एन इंटू ई लिखते हैं वैसे, बिल्कुल ठीक है। तो आई तो अपने पास है कितना देगा 3.2 इंटू टी कितना देगा अपने पास है 60 देगा। अब यहाँ पे जो एन होता है इस n को अपन क्या लिख सकते हैं, n लिखने की 2 को प्लस 2 है, हां वैसे n है, और इस e को अपन 2 ही, हां होएगा 2 ही कर दो, इसको अपन क्या कर देंगे 2 ही कर देंगे, और 2 e को अपन क्या लिख सकते हैं 1.6 into 10 to the power minus का 19 हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो फिर उसके बाद में कितना देगा अपने पास में, n = 6 into 10 to the power 20 आ जाएगा, ये 6 into 10 to the power 20 फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट, ये है धारा का उपलब्ध करा दिए हैं, बिल्कुल लेट है। आज 27 तारीख को सेकंड भी आज दिया है, थर्ड भी आज दिया है, उसके बाद दोस्तों वीडियो धारा के चुंबकीय प्रभाव के जो आपको टाइम पे देंगे। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।